में 9 राज्य सूखे की चपेट में है, लेकिन सदा निरा यानी हमेशा जल से भरपूर रहने वाली गंगा की हालत वाराणसी में बेहद खराब है। अप्रैल महीने में ही बनारस में इसका प्रवाह पिछले 5 सालों के न्यूनतम स्तर पर है। सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद गंगा अपने वजूद के लिए तरस रही है। देखिए ग्राउंड जीरो पर यह रिपोर्ट। देश में हर तरफ भीषण सूखे की चर्चा हो रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कई इलाकों में लोग खुदकुशी और पलायन को मजबूर हैं। हमने आपको महाराष्ट्र के लातूर और बुंदेलखंड से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाई थी। आज हम आपको जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। करोड़ों लोगों की जीवन रेखा गंगा नदी का ज्यादातर हिस्सा आज सूख चुका है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 58.3 मीटर तक पहुंच गया है। तारापुर टिकरी का इलाका लगभग रेगिस्तान में बदल चुका है। ऐसे समय में जब नमामि गंगे परियोजना को लगभग 2 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे समय में जब गंगा पर काम करने वाले मंत्रालयों की संख्या आधा दर्जन तक पहुंच गई है, ऐसे समय में जब गंगा में बड़े बड़े मालवाहक जहाज चलाने की बात हो रही है, हम इस वक्त गंगा के बीचों बीच मौजूद हैं। गंगा की स्थिति क्या है, इस ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए हम गंगा के अपवाह क्षेत्र में मौजूद हैं। आप देखिए, आपको लगेगा कि आप राजस्थान के किसी डेजर्ट इलाके में, यानी कि रेगिस्तान के इलाके में हों, जहाँ लगातार आपको सूखी हुई जमीन, रेतीली जमीन आपको दिखाई दे रही है। लेकिन ये जगह जो है वो गंगा का अपवाह क्षेत्र है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के टिकरी गांव के बगल की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी के तारापुर टिकरी में कभी लबालब पानी से भरी रहने वाली गंगा आज अपने मुहाने से 4 किलोमीटर पीछे हट चुकी है। अप्रैल के महीने में ही पूरा इलाका रेगिस्तान बन चुका है। टिकरी किनारे रहने वाले लोग कभी इसी इलाके से पानी पीते थे, लेकिन आज उनको गंगा से पानी के लिए 4 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना पड़ता है। आप लोग माताजी नहा के आ रही हैं गंगा से? तो ये गंगा अब कहाँ चली गई? ये भी तो गंगा जी ही है ना जहाँ हम खड़े हैं। सूखा गई है। ये कब तक रहती हैं ऐसे? यहाँ रहती वहाँ भादो आषाढ़ में सावन में ये धारा बह रहा है। और उसके बाद फिर सूखने शुरू हो जाती है। फिर सूखने सूखा जी। तो आप लोग अभी कहाँ से आ रही हैं? हम आधे अथवा चल गए गंगा माई। हम लोग के यहाँ पानी का साधन नहीं है नहाने धोने के, तो हम लोग जाता है वहाँ आधे गंगे नहाते। कहाँ से आ रही हैं? तारापुर से। जैसे कि गंगा माई तो एकदम निचके रही है ना, हाथ से आवती चल जाई सही। तो ये देखिए, दो महिलाएं हैं जो नहा धो के आ रही हैं और ये बता रही हैं कि अब बिल्कुल गंगा जो है वो सूखते सूखते किनारे पर चली गई हैं, और ये स्थिति साल में करीब 8-9 महीने रहती है। गंगा नदी के लिए काम करने वाले संगठन इस हालात के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गंगा महासभा का ये विचार है कि भारत सरकार सिर्फ प्रदूषण के मसले पे विचार कर रही है, अविरल गंगा के मसले पे नहीं, वो निर्मल गंगा के मसले पे। तो निर्मल गंगा तो तब सवाल खड़ा हो कि हम पानी किसका साफ करेंगे, गंगा का या सीवर का। तो सीवर के जल के शोधन को लेकर के सारे मंत्रालयों का कवायद है। ऐसा नहीं है कि सरकारों को कभी गंगा याद नहीं आई। गंगा नदी के पुनरोद्धार के लिए 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया था, लेकिन पिछले 3 दशक में हालात ठीक होने के बजाय और बिगड़ गए। गंगा के साथ जो बड़ा दुर्भाग्य है कि गंगा को हमने राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया, लेकिन आज भी गंगा राष्ट्रीय नदी नहीं हो पाई है। गंगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल 5 प्रदेशों की होकर रह गई है। मोदी सरकार ने भी सत्ता में आते ही गंगा नदी के पुनरोद्धार का ऐलान किया। इसके लिए अलग मंत्रालय के साथ साथ हजारों करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था भी कर दी गई। लेकिन सरकार की इन तमाम कोशिशों के बावजूद जमीनी हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हुए हैं।
तो ये एक बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के लिए भी कि गंगा को वो पुनर्जीवन दें, गंगा को वो मुक्त कर दें। गंगा जो उत्तराखंड में बिल्कुल कैद में है, जरूरत इस बात की है कि अब उनको कैद से रिहा किया जाए, क्योंकि अगर उनकी रिहाई नहीं होगी तो 45 करोड़ लोगों की जीवन रेखा गंगा समाप्त हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि करोड़ों लोगों की जो जिंदगी है वो दांव पर होगी। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, इंडिया 24/7 वाराणसी। और चलिए अब गंगा की तस्वीर दिखाने के बाद अब आपको यमुना किनारे स्थित ताज नगरी आगरा की तस्वीर दिखाते हैं। आगरा में लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं। पानी की किल्लत इस कदर है कि लोगों को पीने के पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने जल संस्थान का घेराव किया और अल्टीमेटम सौंपा। मौसम जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, आगरा में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हालत यह है कि ट्यूबवेल में पानी सूख गया है और लोग पानी के लिए परेशान हैं। गुस्साए लोगों ने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बैनर तले एकजुट होकर जल संस्थान का घेराव किया। इन लोगों ने जीएम को एक अल्टीमेटम भी सौंपा कि अगर जल्द उनकी समस्या का हल नहीं निकला तो बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। पीला पानी है, गंदा पानी है, हैंडपंप सारे सूखे पड़े हुए हैं, जगह जगह पानी के लिए त्राई त्राई हो रही है, हर जगह हाहाकार हो रहा है। तो पानी को तो एक बोतल पानी 20 रुपए की आती है मिनिमम अगर पियेंगे तो, और दिन में कम से कम दो बोतल, अब गर्मी आ गई तो दो बोतल तो लगता है, लेकिन अब जब अगर मंथली हिसाब बनाया जाए तो उसका बजट पूरा अर्थव्यवस्था पे हम लोगों की पड़ता है। हम लोग किचन संभालते हैं, हम लोगों को मालूम। आगरा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। लोगों का आरोप है कि वो सालों से पानी खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन जल संस्थान की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया, लिहाजा वो प्रदर्शन के लिए मजबूर है। हालांकि जीएम जल संस्थान ने प्रदर्शनकारियों को पानी की समस्या का जल्द से जल्द निपटारा करने का भरोसा दिया है। उन लोगों ने अपनी कुछ समस्याओं के लिए ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन पे पानी, हैंडपंप, यही समस्याएं, सीवर, उनकी समस्याओं का सभी का समाधान करा दिया जाएगा, उनको आश्वासन भी दिया है। पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने गंगा जल परियोजना की शुरुआत की थी। इस परियोजना की लागत 350 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ तक पहुंच गई है, लेकिन अब तक लोगों को पानी नहीं मिला। विवेक पाठक, इंडिया 24/7 आगरा।